प्रज्ञा ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि अगर प्रकाश या हुकुमचंद को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी। लेकिन आज वो इसी दुविधा को फेस कर रही थी। जब नरेंद्र ने उसे माहेश्वरी मेंशन जाने को कहा तो उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। सिद्धांत के पिताजी और नाना जी को वो अकेले कैसे फेस करेगी। लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही मधु बोली, तुम प्रज्ञा को कहां ले जा रहे हो नरेंद्र? माहेश्वरी मेंशन और कहा, प्रज्ञा इस घर के वारिस को जन्म देने वाली है, उन्हें किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। माहेश्वरी मेंशन में रहने से मालिक भी चिंतित नहीं रहेंगे। यहाँ भी प्रज्ञा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, मुझे पहले सिद्धांत बाबा से बात कर लेने दो, मधु ने सिकुड़ी हुई आईब्रोज के साथ कहा। पूरा ख्याल? क्या पूरा ख्याल रखना यही होता है कि कल प्रज्ञा इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग की लपटों के बीच फंसी हुई थी, यही होता है पूरा ख्याल? नरेंद्र का गुस्सा बहुत तेज था, लेकिन वो बाहर था और अपनी आवाज को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था। मधु और बॉडीगार्ड्स ने उसकी बात सुनकर अपना सिर नीचे कर लिया। नरेंद्र ने आगे कुछ भी नहीं कहा और प्रज्ञा को कार की तरफ ले गया। प्रज्ञा उसके या किसी और के गुस्से की आग में घी नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और सीधा कार में बैठ गई। कार चल पड़ी और थोड़ी ही देर में वो माहेश्वरी मेंशन पहुंच गए थे। प्रज्ञा ने मेंशन में जाते हुए नोटिस किया कि वहां बहुत सारे सर्वेंट्स थे और माहौल बहुत ही स्ट्रेन्ड था। ऐसा लग रहा था कि अगर किसी के मुंह से एक शब्द भी निकला तो हाहाकार मच जाएगा। उसका मन बहुत डर से भरा हुआ था। वो कुंवारी थी और इस घर के वारिस को जन्म देने वाली थी। न जाने प्रकाश का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची, उसने देखा कि प्रकाश और हुकुमचंद काउच पर बैठे हुए थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उसको देखते ही उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, अरे प्रज्ञा आ गई तुम, हम कब से इंतजार कर रहे थे। आज तक वो दोनों प्रज्ञा की तरफ बहुत जेंटल थे, लेकिन आज उनकी आवाज में एक अलग ही अनुराग दिख रहा था, जैसे कि वो एक ट्रेजर थी। प्रज्ञा ने बस एक स्माइल दी। वो उनके अफेक्शन को देखकर एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। प्रकाश की नजर प्रज्ञा की बेली पर पड़ी और उन्होंने एक बार अपना सिर हिलाया, जैसे कि वो इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि वो सच में प्रेग्नेंट थी, और बोले, अरे प्रज्ञा मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मेरा ध्यान न जाने आजकल कहाँ रहता है। तुम कितनी बार यहाँ आ चुकी हो लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना, क्या पता अगर किसी नौकर ने धोखे से कुछ गलती कर दी होती तो। तुम इस घर के चिराग को जन्म देने वाली हो, उन्होंने चिंता से कहा। वो मैं, प्रज्ञा ने उस बात का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश जानते थे कि उनके बेटे के कहने पर ही ये बात छुपी हुई थी और उन्होंने इस बारे में और नहीं पूछा। इस वक्त वो सब चीजों को भूलकर अपने आने वाले पोते पर कंसंट्रेट करना चाहते थे। 3 महीने हो गए हैं, उन्होंने एक बड़ी स्माइल के साथ पूछा। हाँ ऑलमोस्ट 4 खत्म होने वाले हैं, उसने कहा और एक अनईजी स्माइल दी। उसको इस सब के बारे में बात करने में थोड़ी शर्म आ रही थी। लेकिन सिद्धांत आखिर सोच क्या रहा था हमसे इतनी बड़ी बात को छुपाकर, यहां तक कि उसने तुम्हें इतने बड़े खतरे में भी डाल दिया था। कैसे बचाने वाला था वो तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? भले ही कल डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि प्रज्ञा बिल्कुल ठीक थी, वो अभी भी बहुत चिंतित थे। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो प्रकाश इस बार उसको खोने का दर्द नहीं सह सकते थे, वो अपनी जान ही खोते थे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों थी, क्योंकि जब भी उनको लगता था कि उनको एक पोता मिलने वाला था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि उनको निराशा ही मिलती थी। सिद्धांत मुझे बचाने के चक्कर में खुद ही हर्ट हो गया, उसने सिद्धांत को डिफेंड करते हुए कहा। उन्हें यह बात पहले से पता थी, कल ही उन्होंने डॉक्टर को फोन करके अपने बेटे की हालत का पता लगा लिया था। मैं अपने पोते के बारे में सोचकर इस बार उससे कुछ नहीं कहूंगा, उन्होंने कहा और फिर नरेंद्र की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या प्रज्ञा का रूम रेडी है? जी मालिक, प्रज्ञा मैडम के लिए कमरा तैयार है, उसने कहा। उसके लिए रूम? वो यहां रहने वाली थी? उसका चेहरा डाउट से भरते हुए देखते हुए प्रकाश ने कहा, प्रज्ञा आज से तुम यहां ही रहोगी। प्रज्ञा की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसको लगा था कि प्रकाश ने उसको यहाँ इस बच्चे के बारे में जानने के लिए बुलाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसे यहाँ रहने को कहेंगे। लेकिन क्या ये बात सिद्धांत को मालूम है? उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है, प्रज्ञा ने तुरंत कहा। उसका जवाब जानने की जरूरत नहीं है, खुशी मनाओ कि मैंने उसे तुम्हें डेंजर में डालने के लिए कुछ नहीं कहा। अगर तुम और मेरा पोता यहां मेरी आंखों के सामने रहोगे तो मेरे दिल को शांति रहेगी। अब मैं एक और बात नहीं सुनूंगा। नरेंद्र, प्रज्ञा को उसके कमरे में ले जाओ और देखो कि उसको किसी चीज की दिक्कत ना हो। नरेंद्र बिना कुछ कहे प्रज्ञा को ऊपर ले गया। उनके साथ 2 मेड्स भी उस कमरे तक गई। जब प्रज्ञा उस रूम में पहुंची तो उसने देखा कि ये रूम इस घर के बाकी सभी रूम से बड़ा था। उस रूम का फर्नीचर भी खुद प्रकाश के रूम से लग्जरियस था। उस रूम का हर एक सरफेस मिरर जैसा क्लीन था और चमक रहा था। एक बड़ी विंडो से अंदर सूरज की पर्याप्त रोशनी आ रही थी। कमरे की सारी नुकीली चीजें बबल रैप थी ताकि उसको कोई भी हानि ना हो। कमरे की लेफ्ट तरफ एक बालकनी थी जो कि फूलों के गमलों से भरी हुई थी और जहां के पीछे का गार्डन साफ नजर आ रहा था। एक दिन में इतना आलीशान कमरा अरेंज करना बहुत मुश्किल था, और अगर प्रकाश ने इस रूम को अरेंज भी किया था तो
भी उसके लिए बहुत ही बड़ा था। वो इस बात से बहुत ही सरप्राइज थी। जब उसने ये बात नरेंद्र से पूछी तब उसे मालूम हुआ कि ये कमरा सिद्धांत के पेरेंट्स का बेडरूम था और यहाँ ही उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिताए थे। लेकिन सिद्धांत की माँ की डेथ के बाद प्रकाश दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। ये कमरा उनकी पत्नी की यादों से भरा हुआ था जो कि उनके लिए बहुत ही पेनफुल था। ये बेडरूम कभी से खाली पड़ा हुआ था। नरेंद्र ने उसे उन दोनों मेड्स कुसुम और रीना से इंट्रोड्यूस किया। वो दोनों इस घर में पिछले 2 दशक से काम कर रही थी। यहाँ तक कि करण और सिद्धांत की देखभाल भी इन्होंने ही की थी। वो कभी सीनियर मेड्स थी। इतना ही नहीं, प्रकाश 2 प्रोफेशनल नर्सेस को भी हायर करने वाले थे जो कि प्रेग्नेंट औरतों की देखभाल में स्पेशलिस्ट थी, और एक पेडियाट्रिशियन भी। वो सब कुछ ही दिन में यहाँ आ जाएंगे। माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, इसीलिए अभी बहुत सी तैयारियां बची हुई हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों में सब कुछ आ जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नरेंद्र ने कहा। उसकी बात सुनकर प्रज्ञा का मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब कम था? और भी चीजें अरेंज की जा रही थी। ये सब सिद्धांत के किए से भी ज्यादा था। उसको इस सब की आदत नहीं थी। उसने अपनी हिचकिचाहट नरेंद्र को बताते हुए कहा, वो नरेंद्र, मैं इस सब के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे इस सब की आदत नहीं है और 24 घंटे निगरानी की भी जरूरत नहीं है। मुझे बहुत ही बेचैनी होने लगती है। कुसुम जी और रीना जी को भी मेरे साथ पूरे दिन रहने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत हुई तो मैं उन्हें खुद ब खुद बुला लूंगी। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो बच्चा भी बेचैन रहता। आई होप आप समझ पाओगे, उसने कहा। कुछ देर नरेंद्र उसे देखता रहा, उसके बाद सीरियसली बोला, ठीक है मैं मालिक से बात करता हूँ। शाम को जब प्रकाश अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे तब उन्हें किसी के गुस्से से भरे हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और एक मेड की आवाज भी जो कह रही थी, सिद्धांत बाबा वो। उनको मालूम था कि सिद्धांत यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएगा इस बारे में उन्हें पता नहीं था। आखिर उसकी इंजरी अभी हील नहीं हुई थी और इस तरह भागने से अच्छा उसे हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए था। वो जब अंदर आया तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर बहुत सारी वाइट बैंडेजेस अभी भी थी और वो काफी वीक नजर आ रहा था। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था और उसने एक सर्वेंट जो कि उसको सहारा देते हुए अंदर आ रहा था उसको एक धक्का दिया और अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका ऑरा बता रहा था कि वो कितना नाखुश था। अरे बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रज्ञा ऊपर अपने कमरे में आराम कर रही है। नरेंद्र ने उस ऑकवर्ड माहौल को तोड़ने की कोशिश की। पिता और बेटा एक दूसरे को गुस्से भरी आंखों से घूरे जा रहे थे और किसी ने भी नरेंद्र की बात पर ध्यान भी नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद सिद्धांत ने नरेंद्र को अपने रास्ते से अलग किया और ऊपर की तरफ जाने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? प्रकाश ने अपनी जगह से उठते हुए उसकी तरफ चिल्लाया। वो अपनी जगह पर रुका लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और कहा, उसे वापस ले जा रहा हूं। वापस? अगर तुमने उसका अच्छे से ख्याल रखा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कल ही वो आग की लपटों में आकर मरने वाली थी और मेरे पोते की जान भी जोखिम में आ गई थी। तुम भी उसके साथ हर्ट हो गए। अब तो तुम और उसको सेफ नहीं कर पाओगी। तुम्हें मालूम है कि ये घर तुम्हारा भी है और मेरे पोते का भी, और आज से उसके जन्म तक प्रज्ञा यही रहेगी। प्रकाश ने अपनी बात कही। हाँ, और यहाँ प्रज्ञा की देखभाल के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो कि उसकी खातिरदारी के लिए 24 घंटे अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। वो यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी, नरेंद्र ने पीछे से ऐड किया। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे मेरे घर में भी किसी चीज की कमी थी, सिद्धांत ने रूखेपन के साथ कहा। ये बकवास बात थी कि प्रज्ञा उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहेगी। वो आग एक एक्सीडेंट थी जो कि अब दोबारा नहीं होगा। उसने अपना सिर हिलाया और ऊपर की तरफ बढ़ा। अगर तुम उसे यहां से लेकर गए तो मैं तुम्हें CEO की पोजीशन से हटा दूंगा, प्रकाश ने लास्ट में कहा। वो अभी भी बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके पास ये हक था। अपने पोते के लिए वो अपने बेटे से भी लड़ने को तैयार थे। कीर्ति के साथ हुए हादसों के बाद इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं लेने वाले थे। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत सच में प्रज्ञा को अपने से दूर रहने देगा? क्या उनकी शादी की बात उठेगी और क्या होगा उसका जवाब? क्या प्रज्ञा माहेश्वरी मेंशन में सेफ थी या वर्षों पुराना कोई राज खुलने की फिराक में था? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM। प्रकाश का रिश्ता उनके बेटे के साथ वैसे ही खराब था, लेकिन अब उन्होंने जो भी कहा था वो शायद उनके रिश्ते के बीच एक और अड़ंगा खड़ा कर सकती थी। नरेंद्र को भी बहुत चिंता हो रही थी कि आज के बाद पिता और बेटे के रिश्ते में क्या चेंज आएंगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्धांत ने कहा। जब वो सेकंड फ्लोर पर आया तो उसने एक फिगर को वहां उसकी तरफ शौक से देखते हुए खड़ा देखा। प्रज्ञा श्योर नहीं थी कि उसने प्रकाश और सिद्धांत की बातों को साफ साफ सुना था, लेकिन उसका दिल ना जाने क्यों जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं लगा था कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए तब तक वो उससे मिलने आएगा। लेकिन उससे बड़ी सरप्राइज ये थी
कि उसे अपनी सीईओ की पोजीशन की भी कोई चिंता नहीं थी। उसको यह बच्चा इसीलिए चाहिए था ताकि वो इस पावर स्ट्रगल में जीतकर प्रकाश का दिल जीत ले और सीईओ बन जाए। फिर उसके कहने का क्या मतलब था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? वो अपने मकसद से अब पीछे क्यों हट रहा था? सिद्धांत को नहीं पता था कि प्रज्ञा के मन में क्या चल रहा था और उसने उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो मेरे साथ घर। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? सिद्धांत ने कंफ्यूजन से पूछा। मैं यहां ही रहूंगी, उसने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि पिताजी मुझे मेरी पोजीशन से हटा देंगे? उसने पूछा। और जब उसे जवाब में सिर्फ प्रज्ञा की खामोशी मिली तो वो समझ गया। भले ही वो उसे इग्नोर करती रहती है, लेकिन वो जानता था कि वो उसकी परवाह करती थी और इसीलिए उसके साथ नहीं जा रही थी। चिंता मत करो, मेरे बिना वो कंपनी डूब जाएगी। ये बात मेरे पिता बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मुझे मेरी पोजीशन से नहीं हटाएंगे, सिद्धांत ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। प्रज्ञा ने उसकी तरफ चिंता भरी नजरों से देखा और कहा, लेकिन तुम्हारे पिताजी आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे थे। और भले ही तुम्हारी पोजीशन ना जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और उनके रिश्ते के बीच कोई दरार आ जाए। उसने थोड़ी देर प्रज्ञा की कही बात पर सोचा। वो जानता था कि उसके पिताजी कितने नाराज हो सकते थे। वो यहां से प्रज्ञा को ले गया तो कल वो नरेंद्र को फिर से उसके घर भेज देंगे। इस सब में प्रज्ञा की हालत बहुत खराब हो जाएगी। वो अगर उसके साथ रहेगा तो वो ऐसा नहीं होने देगा, लेकिन वो उसके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता था और ना ही मधु नरेंद्र को रोक पाई थी। यहां तक कि प्रज्ञा उसके पिता को भी ना नहीं कह पाई थी। जब वो सोच में ही था तो वो आगे बोली, मैं यहां रहूं वही अच्छा है। वैसे भी मेरा रूम बहुत ही बड़ा और सुंदर है। उसके विलिंगनेस को देखकर सिद्धांत को हार माननी पड़ी और उसने हां में सिर हिलाया। वैसे भी वो अभी अपने बेस्ट मोड में नहीं था। तुम्हें अब हॉस्पिटल वापस चले जाना चाहिए। प्रज्ञा जानती थी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि सिद्धांत के घाव एक हफ्ते में ठीक होंगे और उसके लिए उसे आराम जरूरी था। लेकिन सिद्धांत उसको अभी छोड़कर जाना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने कहा, मुझे अपना कमरा दिखाओ। ये सुनते ही प्रज्ञा का चेहरा खुशी से भर गया और उसका हाथ पकड़ते हुए वो सिद्धांत को अपने कमरे में ले गई। जब वो अपने कमरे के दरवाजे की तरफ पहुंची तो उसने देखा कि सिद्धांत अचानक से शांत हो गया था। वो समझ गई थी कि इसका लेना देना इस बात से था कि ये उसकी माँ का कमरा था। मैंने नरेंद्र से सुना कि ये कमरा तुम्हारे पेरेंट्स का कमरा हुआ करता था, प्रज्ञा ने केयरफुली कहा। लेकिन सिद्धांत ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया और उस कमरे के दरवाजे को खोलते हुए अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसका चेहरा एक अलग से दुख से भर गया। उसकी माँ गुजर चुकी थी और उसकी यादें शायद उसके मन में दस्तक दे रही हो। वो बालकनी की तरफ गया और वहां से नीचे गार्डन को देखने लगा। वो उसके साथ पीछे पीछे गई। मेरी माँ मेरा साथ छोड़कर खुदा के पास चली गई थी जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि ये बालकनी उनकी फेवरेट प्लेस थी। गर्मियों में वो यहाँ ही बुक्स पढ़ती थी, म्यूजिक सुनती थी और मेरे पिताजी के साथ डांस भी करती थी, सिद्धांत ने अपनी यादें शेयर करते हुए कहा। भले ही उसके पिताजी के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ के बहुत करीब था। उसने उनकी फोटो देखी थी और वो जानती थी कि वो कितनी सुंदर थी, लेकिन उनकी मौत भी एक मेंटल हेल्थ इशू के कारण हुई थी। प्रकाश की जिंदगी भी बहुत बड़े बड़े दुखों से भरी हुई थी। पहली वाइफ को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे और उनकी दूसरी बीवी पागलखाने में थी। मुझे दुख है कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई। आई एम श्योर वो एक बहुत ही अच्छी मम्मी के साथ साथ बहुत ही सुंदर और आदर्शवादी औरत थी, उसने सिद्धांत का मन बहलाने के लिए कहा। हाँ, सिद्धांत ने कहा और बाहर गार्डन की तरफ देखा। उसे नहीं मालूम था कि उसकी माँ की मौत सीढ़ियों से गिरने के कारण नहीं बल्कि डिप्रेशन के कारण हुई थी। प्रज्ञा को जब से धोखे से ये राज पता चला था, उसने इस राज को अपने दिल में दबाकर रखा हुआ है। लेकिन आज जब सिद्धांत ने अचानक से अपनी माँ का इजहार किया तो वो भावुक हो गई। सिद्धांत को तो ये तक पता नहीं था कि उसका भाई भी मेंटली स्ट्रगल के कारण ही इस दुनिया से गया है। क्या सिद्धांत इस बीमारी को मात दे पाएगा? उसने अपनी बेली की तरफ देखा। क्या उसका बच्चा भी इस बीमारी का शिकार होगा? ये भी एक वजह थी जिसके कारण वो इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। क्या उसका बच्चा भी इस बीमारी से सफर करेगा? इस बात को सोचते ही उसका मन बहुत दुख से भर जाता था। क्या हुआ? सिद्धांत ने उससे पूछा जब वो अचानक से शांत हो गई। कुछ नहीं, यहाँ बस थोड़ी ठंडक ज्यादा है, उसने कहा। वो जानती थी कि उसको सब्जेक्ट चेंज करना होगा, नहीं तो वो ना चाहते हुए भी उसे सच बता देगी। सिद्धांत अचानक से झुका और उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया, जहां उसने प्रज्ञा को बिस्तर पर लेटा दिया। वो उठने ही वाला था कि उसकी नजर प्रज्ञा के चेहरे पर पड़ी। कल अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता, और अब प्रज्ञा एक बार फिर उससे दूर रहने वाली थी। वो यहां आकर उससे मिल सकता था, लेकिन वो अब उसकी नजरों के सामने 24 घंटे नहीं रहेगी। यही सोचकर उसने अपने वुंड को इग्नोर किया और उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। प्रज्ञा अचानक से चौंक गई और उसकी हमेशा की आदत के कारण उसने सिद्धांत को दूर करने की कोशिश की और कहा,
बच्चा। लेकिन ये सुनकर सिद्धांत को इस बार गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसका चेहरा एक स्माइल से खिल उठा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो उसे इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, लेकिन आज उसी बच्चे की सुरक्षा को सोचते हुए वो उसे रोक रही थी। उसने सिद्धांत की स्माइल को गलत समझ लिया और कहा, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए, मैं तुम्हें धोखे से दर्द नहीं पहुंचाना चाहती, बाद में, उसने उम्मीद से कहा। सिद्धांत ने उसकी तरफ देखा और कहा, याद रखना इस प्रॉमिस को, और उसकी बेली पर एक बार हाथ फेर कर वहां से चला गया। प्रज्ञा ने एक लंबी सांस ली। नीचे जब सिद्धांत लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता उसका वही इंतजार कर रहे थे। फिर क्या सोचा, प्रज्ञा यहीं रहेगी, प्रकाश ने पूछा। हम अभी तक उस इंसान को ढूंढ नहीं पाए हैं जो कल के इंसिडेंट के पीछे था, और मैं भी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, इसीलिए उसका यहाँ रहना ही अच्छा है, सिद्धांत ने रूखेपन से कहा। अच्छी बात है, मैं अपने पोते का खुद ध्यान रख सकता हूँ, और हाँ, अगली बार इतना डेयरिंग बनने की जरूरत नहीं है, तुमने बॉडीगार्ड क्यों रखे हैं, अगली बार से उनको अपना काम करने देना और आग में जाने देना, प्रकाश ने कहा। ये उनका तरीका था सिद्धांत को दिखाने का कि वो उसकी भी केयर करते थे, भले ही वो उससे कितने भी नाराज हो, वो उसके पिता थे, उनको भी सिद्धांत की सेहत की चिंता थी। उन्होंने नरेंद्र और एक ड्राइवर को सिद्धांत को हॉस्पिटल छोड़ने को कहा। जो ये आग वाले इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था वो 3 दिन बाद पकड़ा गया। उस दिन आग में सिद्धांत माहेश्वरी घायल हुए थे, तो इस केस में पुलिस फोर्स के सभी बड़े पदों पर बैठे हुए पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपराधी को पकड़ लिया। अगले दिन सुनील ने यह बात माहेश्वरी मेंशन में आकर बताई। वो अपराधी कोई और नहीं बल्कि पुनीत था, जिसने ये सब कीर्ति के कहने पर किया था, जो कि उसको इस प्लान के बारे में जेल जाने से पहले बता चुकी थी। कीर्ति ने अपनी स्टेटमेंट में बताया था कि उसको पूजा से प्रज्ञा की प्रेगनेंसी का पता चल गया था, और उसने पुनीत को पैसों का लालच देकर ये करवाने की साजिश की थी। पुनीत ने पुलिस को बताया था कि प्रज्ञा बाकी सारे टाइम बॉडीगार्ड से घिरी हुई रहती थी, लेकिन उस दिन जब उसने उसे बाथरूम में अकेले जाते हुए देखा तो उसने प्रज्ञा को क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया था, और फिर नीचे स्टोरेज रूम में उसे बांधकर एक कार्डबोर्ड को आग लगा दी थी। पुनीत अब जेल में अपनी पनिशमेंट का वेट कर रहा था, और पूजा, जिसने प्रज्ञा की प्रेगनेंसी के बारे में कीर्ति को बताया था, वो अपनी जॉब से सस्पेंड हो चुकी थी। सुनील से सारे रिपोर्ट सुनते ही प्रकाश बहुत गुस्से में आ गए थे। कीर्ति ने न सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी पाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला था, लेकिन अब वो उसके असली पोते की जान के पीछे भी पड़ी हुई थी। उसने जिसके साथ चीट किया था उसी का साथ देकर आज वो उनके पोते को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। कितनी ही बेकार औरत थी वो। उनके गुस्से को देखकर सुनील बोला, मालिक आप चिंता मत कीजिए, कीर्ति को इस बार सजा से कोई नहीं बचा सकता। उसको भले फांसी ना हो, लेकिन उम्र कैद उसकी पक्की है। उसको उसके किए की सजा मिल भी गई थी, और तो और एक बहुत अच्छी बात है कि उसने करण के साथ डाइवोर्स पेपर्स भी साइन कर दिए हैं। प्रज्ञा प्रकाश के लिए ग्लास में पानी भर रही थी। उसे कीर्ति से कोई भी लगाव नहीं था, लेकिन अपनी बहन को इस तरह दुख सहते हुए देख उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। वो बस प्रे करती है कि कीर्ति को अपनी गलती समझ आ जाए और अपने किए पर पछतावा हो जाए। अरे प्रज्ञा, तुम ठीक तो हो ना, सुनील ने उससे पूछा। उसने जब देखा कि ग्लास से पानी ओवरफ्लो हो रहा था तो वो चौंक गई। उसने तुरंत हां में सिर हिलाया, लेकिन प्रकाश उसे और टेंशन में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रीना से उसे उसके कमरे में ले जाने को कहा। जब प्रज्ञा वहां से चली गई तो वो बोले, सिद्धांत कैसा है अब? बॉस का घाव अब ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से वो इस हफ्ते तक ठीक हो जाएंगे, सुनील ने बताया। उससे कहना मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ मुझसे मिलने आए, उन्होंने उसे बताया। क्या होगा आगे? आखिर ऐसी कौन सी बात करनी थी प्रकाश को सिद्धांत से? क्या प्रज्ञा कभी भी सिद्धांत से शादी कर पाएगी, या वो इसी तरह उसके प्यार के लिए वेट करती रहेगी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। माहेश्वरी मेंशन में प्रज्ञा की लाइफ बहुत ही आसान थी। वहां उसके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे जितने सिद्धांत के साथ थे। वो यहाँ कितनी भी देर के लिए टीवी और मोबाइल चला सकती थी। प्रकाश की बस एक ही शर्त कि वो सेफ रहे बस। पायल की तबीयत भी दिन ब दिन ठीक हो रही थी। प्रज्ञा उसके साथ फोन पर ही बात कर रही थी, और पायल ने उसे बताया था कि वो एक हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाएगी। प्रज्ञा अपनी बातों में इतनी खोई हुई थी कि उसने सिद्धांत को अंदर आते हुए नहीं सुना। किससे बात कर रही हो? सिद्धांत ने पीछे से उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए पूछा। प्रज्ञा ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह हैंडसम था, और अब एक और बात अच्छी थी कि उसकी बैंडेजेस निकल गई थी और घाव भी भर गए थे। वो अब ठीक था, इस बात से वो बहुत खुश थी। जब वो हॉस्पिटल में था तो वो उसके लिए सबसे स्ट्रेस भरा समय था। मैं पायल से बात कर रही हूँ, प्रज्ञा ने कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए। उसने प्रज्ञा का हाथ पकड़कर मोबाइल में पायल का कॉल कट कर दिया। प्रज्ञा तुरंत उसकी बाहों से अलग हो गई और बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी सिद्धांत ने उसे अपनी तरफ पुल किया।
और उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में ले लिया। जब प्रज्ञा ने सामने देखा तो उसकी नजर एक फ्लोर लेंथ मिरर पर पड़ी। उसमें सिद्धांत और प्रज्ञा का रिफ्लेक्शन साफ नजर आ रहा था। आईने में उसकी नजर सिद्धांत से मिली। प्रज्ञा के गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। उसने देखा कि किस तरह सिद्धांत उसको अपनी बाहों में सिक्योरली पकड़े हुए, और इसलिए उसकी बॉडी सिद्धांत की बॉडी में पानी की तरह पिघल गई। मुझे देखकर ऐसे मत भागो, सिद्धांत ने उसके कानों में विस्पर किया। उसके वार्म ब्रेथ प्रज्ञा को टिकल कर रही थी। प्रज्ञा ने उससे आंखें चुराते हुए सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश की और बोली, तुम अचानक से यहाँ कैसे? पिताजी मुझसे बात करना चाहते हैं, उसने कहा। अच्छा तो जाओ, तुम पहले उनसे बात कराओ, प्रज्ञा ने उनसे कहा। वो जानती थी कि सिद्धांत पक्का उसके कमरे में सीधा आया होगा और अभी तक अपने पिता से नहीं मिला होगा। कोई जल्दी नहीं है, सिद्धांत ने अपनी बाहों को उसकी कमर पर कसते हुए कहा। तुमने ही मुझे आराम करने को कहा था, छोड़ो मैं शाद लेकर सोने जा रही हूँ, प्रज्ञा ने उसके हाथ हटाते हुए कहा। शार, मैं मदद करूं? सिद्धांत ने फ्लर्टी टोन में कहा। तुम भूल गई कि तुमने पिछली बार क्या प्रॉमिस किया था? सिद्धांत ने उसे पूछा। प्रज्ञा उसकी हरकतों से इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या उसने सिद्धांत से कोई प्रॉमिस किया था? तुमने कहा था ना बाद में, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया है, अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है, उसने प्रज्ञा को अपने करीब खींचते हुए कहा। प्रज्ञा और कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके दरवाजे पर एक नौक आई और नरेंद्र की आवाज सुनाई दी। सिद्धांत बाबा, मालिक जानते हैं कि आप मेंशन आ गए हैं, वो आपको बुला रहे हैं, उसने कहा। Damn it! सिद्धांत के मुंह से फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज निकली। उसने प्रज्ञा को एक बार कस के गले लगाया और फिर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, रुको मैं अभी आया। इतना कहकर उसने अपनी जैकेट सही की और बाहर चला गया। उसके जाते ही प्रज्ञा ने एक लंबी सांस ली और अपने आप को संभाला। वो उसको कभी भी ना नहीं कह सकती थी, लेकिन रुको उसका क्या मतलब था कि उसे वेट करना होगा? क्या सिद्धांत उसके पास वापस आएगा? वो इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से उसको सिद्धांत का फोन बिस्तर पर डला हुआ दिखा। उसको अपनी बाहों में लेने से पहले उसने उसे बेड पर डाल दिया होगा। उसने अपने आप को काम किया और बाहर जाकर वो सिद्धांत का फोन कुसुम को देने ही वाली थी, लेकिन कुसुम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। प्रज्ञा ने सोचा कि वो खुद ही ये काम कर लेगी, और इसलिए वो प्रकाश के कमरे की तरफ बढ़ी। जब सिद्धांत अपने पिता के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि प्रकाश अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे कि वो जानते थे कि उन्होंने अभी अभी क्या किया था। फाइनली तुम उसे छोड़कर आ गए, उन्होंने सिद्धांत को चिढ़ाया। उन्होंने उसको यहाँ प्रज्ञा के बारे में कुछ बात करने को बुलाया था, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि वो सीधे प्रज्ञा के रूम में गया था, वो जानते थे कि उनके बिना बुलाए वो नहीं आने वाला था। उनकी टीजिंग सुनकर वो अनॉय हो गया। पहले तो उन्होंने प्रज्ञा को उससे दूर कर दिया था और अब उसे उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करने दे रहे थे। आपको क्या बात करनी थी, उसने चिड़चिड़ाते हुए पूछा। प्रकाश का चेहरा सीरियसनेस से भर गया। मजाक अपनी जगह था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तुमने क्या सोचा है प्रज्ञा के बारे में, उन्होंने डायरेक्टली पूछा। क्या मैं समझा नहीं, सिद्धांत ने एक लाइट टोन में कहा, जैसे कि यहां आना उसके लिए बोरियत का काम था। उसका इस तरह बात करना प्रकाश को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोले, प्रज्ञा तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है, तुमने उसे इस घर में लाने का सोचा है? मैं नहीं चाहता कि वो एक कुंवारी माँ बने, उन्होंने कहा। तो क्या चाहते हैं आप, उसने इरिटेटेड आवाज में पूछा। मैंने सब कुछ सोच कर रखा है, पहले मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा, उसमें तुम सभी के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील करना, सारी दुनिया को जानना चाहिए कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद तुम दोनों की एंगेजमेंट, और इससे पहले कि उसका पेट ज्यादा नजर आने लगे तुम दोनों की शादी। अभी उसकी प्रेगनेंसी इतनी विजिबल नहीं है, ये सब टाइम से हो जाएगा, प्रकाश ने आराम से अपना सारा प्लान उसे बताया। और आप जानना चाहते हो कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, सिद्धांत ने नॉर्मल आवाज में कहा। हाँ बिल्कुल, एक बार तुम हाँ कहोगे तो तैयारियां शुरू हो जाएंगी, प्रकाश ने एक स्माइल के साथ कहा। मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, सिद्धांत ने रूखी आवाज में कहा। उसके बाद सुनकर प्रकाश की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गई। जल्दी किस बात की नहीं थी, उनका पोता कुछ ही महीनों में इस दुनिया में आ जाएगा और वो नहीं चाहते थे कि वो इस दुनिया में गलत तरीके से आए। दुनिया के सामने उनके परिवार की एक इमेज थी जो उनको होल्ड करके रखनी पड़ती थी, इस तरह उनके परिवार के नाम पर लोग थू-थू करेंगे। सिद्धांत, अगर तुम प्रज्ञा से शादी नहीं करना चाहते हो तो उसके साथ क्यों रह रहे हो? शहर में हजारों और दूसरी लड़कियां भी हैं, फिर वो ही क्यों? वो तुम्हारे भाई की मंगेतर थी, लेकिन मैंने उस समय कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम उसकी सच में परवाह करते हो, लेकिन अब तुम्हारी बातें मुझे बहुत ही डरा रही हैं, उन्होंने कहा और एक लंबी सांस ली। उनके बेटे से बात करना किसी दीवार से बात करने के बराबर था। क्या तुम सच में उसे एक रखेल की तरह रखना चाहते हो,
अगर यही बात है तो मेरी एडवाइस है कि तुम किसी और लड़की के साथ ऐसा करो। उन्होंने कहा, शहर में हजारों ऐसी लड़कियां थी जो कि उनके बेटे के साथ रहना चाहती थी। उनका बेटा भले ही चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ हो, लेकिन आज तक उनको सिद्धांत की तरफ से इस बारे में चिंता करने की कभी भी नौबत नहीं आई थी। वो हमेशा इस बात से निश्चिंत रहते थे। इसीलिए जब उसने प्रज्ञा को चुना था, उन्हें लगा था कि वो सच में उसकी केयर करता है। लेकिन शायद वो अपने बेटे को उतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे जितना उन्होंने सोचा था। ये मेरी और प्रज्ञा के बीच की बात है, और रही बात आपके पोते की, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए, सिद्धांत ने कहा, जो कि एक स्ट्रेट रिजेक्शन था। प्रकाश अब उससे बात करते हुए थक गए थे। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। अगर आपने इसीलिए मुझे बुलाया था तो मेरा काम हो गया है, मैं जा रहा हूं, उसने कहा और उनके रूम से बाहर चला गया। प्रज्ञा सिद्धांत के मोबाइल के साथ प्रकाश के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। उसके एक्सप्रेशंस ब्लैंक थे। जैसे ही उसने सिद्धांत के पैरों की आवाज सुनी, वो अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसने तुरंत अपना दरवाजा बंद किया और लंबी सांसें लेने की कोशिश की। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हो पा रही थी। उसके मन में एक बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी। आंसू, वो क्यों रो रही थी? क्योंकि सिद्धांत ने उसे शादी के लिए मना कर दिया था। उसने गुस्से से अपने आंसुओं को पोंछना शुरू किया। उसने अभी जो कुछ भी सुना था वो उसके लिए एक आंखें खोल देने वाली बात थी। उसकी सारी खुशी अब तबाह हो चुकी थी, लेकिन उसको ये पहले से मालूम था, है ना? फिर ये बात उसे इतना दुख क्यों दे रही थी? उसको ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसके दिल के हजार टुकड़े हो रहे थे? वो जानती थी कि सिद्धांत इस जन्म में कभी भी उसका नहीं हो सकता था। उसका और सिद्धांत का रिश्ता इतना मजबूत नहीं था। वो उसकी रखेल थी और रखेलों से कोई भी शादी नहीं करता था। वो इतनी बड़ी बुद्धू कैसे हो सकती थी? वो कैसे सोच सकती थी कि उसकी कभी कभी दिखाई देने वाली केयर और जेंटलनेस सिद्धांत का प्यार था और वो उसके लिए स्पेशल थी? क्या हुआ कि वो उसके लिए आग में कूद गया था? लेकिन वही क्यों? प्रकाश ने भी उससे यही पूछा था कि इतनी सारी लड़कियों में से वो ही क्यों? उसने प्रज्ञा को अपने घर में क्यों रखा हुआ था? क्यों उसको प्रेग्नेंट किया था? क्यों उसके लिए आग में कूदा था? अगर वो उसे पसंद नहीं करता था तो? और शादी के नाम से वो इतना अगेंस्ट क्यों था? तभी उसके दरवाजे पर एक नॉक आई। वो जानती थी कि वो सिद्धांत ही था। उसने अपने आंसू पोंछे और उसका फोन टेबल पर रखा और दरवाजा खोला। क्या कर रही थी तुम? सिद्धांत इस बात से अनजान कि प्रज्ञा के मन में किस तरह का बवंडर उठ रहा था, उसने पूछा। कुछ नहीं, प्रज्ञा ने उससे आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि सिद्धांत को किसी भी हालात में ये पता चले कि वो उसको किस तरह बर्बाद कर चुका था। लेकिन सिद्धांत की नजरें बहुत ही तेज थी। उसने तुरंत इस बात को पकड़ लिया। वो पहले ही अपसेट नजर आ रही थी। क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों नजर आ रही हो? उसने प्रज्ञा से पूछा। कुछ नहीं, प्रेगनेंसी में मूड शिफ्ट्स होते हैं, प्रज्ञा ने तुरंत कहा और बेड के पास चली गई। वो उसकी बात से सहमत नहीं था। उसने प्रज्ञा को रोका और उसको बेड पर बिठाया और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि वो अचानक से उधर से उठ गई और बोली, मैं शार लेने जा रही हूँ, उसके बाद आराम करूंगी, तुम्हें भी घर वापस चले जाना चाहिए, प्रज्ञा ने कहा और बाथरूम में चली गई। लेकिन उसके जाने से पहले सिद्धांत ने उसकी आंखों में छुपा हुआ लुक देख लिया था। उसकी आंखें लाल थी और उसके पीछे डिस्गस्ट और हर्ट छुपा हुआ था, जैसे कि वो कोई राक्षस हो। इस बात से वो बहुत ही शॉक में था, लेकिन उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और वहां से दरवाजा पटकते हुए बाहर चला गया। क्या होगा आगे? क्या था वो कारण जिसके कारण सिद्धांत उसे शादी नहीं करना चाहता था? क्या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ था जो जल्दी बाहर आने वाला था? क्या प्रज्ञा इतने सब के बाद इस बच्चे को जन्म देगी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनिया, डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। कुसुम एक गर्म सूप का बोल लेकर प्रज्ञा के कमरे में जा रही थी, जब उसने सिद्धांत को गुस्से से वहां से जाते हुए देखा। आप जा रहे हैं? उसने पूछा। प्रज्ञा का ख्याल रखना, सिद्धांत ने प्रज्ञा के कमरे की तरफ देखा और कहा, फिर वहां से चला गया। अगले हफ्ते सिद्धांत माहेश्वरी मेंशन दो बार आया। हुकुमचंद किसी काम से अपने राजस्थान वाले घर लौट गए थे। सिद्धांत शाम को ही घर आता था और वो सब साथ में ही डिनर करते थे। लेकिन प्रकाश ने नोटिस किया कि प्रज्ञा और सिद्धांत के बीच का माहौल बहुत टेंस था। प्रज्ञा सिद्धांत से बात नहीं कर रही थी, और अगर वो उससे बच्चे के बारे में कुछ पूछता भी तो वो नॉर्मल आवाज में उसको एक या दो शब्द में आंसर दे देती। डिनर के बाद प्रज्ञा कुसुम और रीना के साथ बाहर गार्डन में वॉक करने या अपने आप को अपने बेडरूम में बंद कर लेती थी, जिसका मतलब वो सिद्धांत को इग्नोर कर रही थी। सिद्धांत भी हर बार घर से गुस्से से ही वापस जाता था। कुछ दिन बाद सारा घर शोर शराबे से भरा हुआ था। प्रज्ञा को रीना से मालूम चला था कि करण के जापान जाने की सारी फॉर्मेलिटीज हो गई थी और सारे सर्वेंट्स उनका सामान पैक करने में बिजी थे। प्रकाश करण के साथ दो सर्वेंट्स को भी जापान भेज रहा था, ताकि एक तरह वो करण की रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्प करे और दूसरा
ताकि वो उस पर नजर रख सके, और अगर वो कुछ भी गलत करे तो प्रकाश को बता सके ताकि माहेश्वरी परिवार की इज्जत को कोई नुकसान ना पहुंचे। उस शाम को करण डिनर पर आया। वो कुछ ही दिनों में जापान जाने वाला था और इसीलिए वो यहाँ प्रकाश से आखिरी बार मिलने आया था। और भले ही प्रकाश उससे बहुत नाराज थे, वो फिर भी उनका बेटा था। करण, बाहर देश में हमारी नाक मत कटवाना, जब सही समय होगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा, उन्होंने कहा। करण ने अपना सिर इस तरह से हिलाया जैसे उसको अपनी गलती पर सच में हताशा थी। थोड़ी देर बाद प्रज्ञा अपनी जगह से उठी और बोली, मैं बाहर वॉक करने जा रही हूँ। प्रकाश ने एक स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया। अपनी बेली को संभालते हुए वो बाहर की तरफ निकल गई। उसके साथ रीना भी थी। करण ने उसकी बेली की तरफ देखा। उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। जब उसे अपने भाई की आग में इंजर्ड होने की खबर मिली थी, तभी उसे मालूम चला था कि प्रज्ञा भी लंबे समय से प्रेग्नेंट थी। इस बात को सुनते ही वो बहुत जेलिस और दुखी था। उसको इस बात का दुख नहीं था कि यह बच्चा उसके एक्स मंगेतर और उसके भाई का है, बल्कि उसको इस बात की चिड़की कि यह बच्चा इस घर का वारिस बनने वाला था। पहले ही सिद्धांत के हाथ में बहुत पावर थी, लेकिन अब इस बच्चे के आने के बाद उसके और प्रकाश के रिश्ते में और मिठास आ जाएगी, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था, उसका गेम खत्म हो चुका था, और वो भी बहुत बुरी तरह से। वो खुद कभी बाप नहीं बन सकता था, और अब उसे इतनी दूर भेजा जा रहा था जहां से वापस आने की तारीख भी उसे मालूम नहीं थी। उसके पास अपने भाई से लड़ने की अब कोई ताकत नहीं बची थी। जैसे ही प्रज्ञा उस गेट से बाहर गई, उसने अपना दिमाग इन डिजास्टर्स थॉट से वापस खींचने की कोशिश की। प्रज्ञा रीना के साथ गार्डन में वॉक कर रही थी। रात के साथ बाहर का टेम्परेचर भी गिर रहा था। मैम, क्यों ना अब हम अंदर चलें, रीना ने उससे पूछा। लेकिन प्रज्ञा ने अभी तक किसी भी कार को घर से जाते हुए नहीं सुना था। मतलब करण अभी भी अंदर था और वो उसको दोबारा फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ना में सिर हिलाया और कहा, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन आप अकेले? रीना थोड़ी हिचकिचाई। मैं कुछ ही देर में आई, प्रज्ञा ने उसे रीअश्योर किया। कुछ देर चलने के बाद वो एक चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी बेली की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब वो अपनी 4 महीने कंप्लीट करने वाली थी और दिन ब दिन उसका बच्चा एक्टिव होते जा रहा था। क्या हुआ, तुम स्टोरी सुनना चाहोगे? आजकल वो अपने बच्चे से दिन रात बातें करती थी और उसे रोज इस समय स्टोरी सुनाती थी। शायद आज वो उसे किक करते हुए याद दिला रहा था कि अभी स्टोरी टाइम था। प्रज्ञा का चेहरा एक सेल्फ सेटिस्फाइड स्माइल से चमक रहा था। थोड़ी ही दूर खड़ा करण इस सीन को देख रहा था और उसका मन जलसी से भरा हुआ था। प्रज्ञा उसकी होती और उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती अगर उसने कीर्ति को नहीं चुना होता। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी तरफ बढ़ा। प्रज्ञा किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर बहुत तेज चौंक गई। जब उसने अपना सिर उठाकर देखा और करण को उसकी तरफ आते हुए देखा, तो वो अलर्ट हो गई। उससे बहस ना करने के उद्देश्य से वो आगे बढ़ी ताकि वो डायरेक्ट अंदर जा सके, लेकिन करण के हाथ ने उसे रोक लिया। हमारी शादी होने वाली थी और अब मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने को कुछ भी नहीं है? करण ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं विश करती हूँ कि तुम कभी वापस ना हो, प्रज्ञा ने कहा। वो भगवान की शुक्र गुजार रहेगी अगर उसे करण का चेहरा ना देखना पड़ा तो। करण का चेहरा लाल हो गया। हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे भाई के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई, करण ने एक मॉकिंग टोन में कहा। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, प्रज्ञा ने शार्प आवाज में कहा। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था क्योंकि तुम मेरी फियांसी थी। तुम्हें पता है कि सिद्धांत ने इतनी सारी लड़कियों में से तुम्हें ही क्यों चुना? करण ने बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा, जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बात ने प्रज्ञा का ध्यान उसकी तरफ अचानक से खींच लिया। करण ने जब देखा कि प्रज्ञा का अटेंशन उसके ऊपर था, वो बोला, तुम जानती हो कि मेरा भाई कितना फेमस है? दुनिया भर की लड़कियां उसकी एक झलक के लिए पागल हो जाती हैं, लेकिन उसने आज तक किसी को भी अपने साथ नहीं रहने दिया। फिर तुम क्यों इतनी स्पेशल हो कि तुम उसके साथ उसके घर में रहती हो? तुम्हें लगता है कि यह सब इसलिए है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है? करण ने उसकी तरफ आते हुए कहा। प्रज्ञा की आंखें गुस्से से भरी थी और उसने अपने हाथों को मुट्ठी बनाते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें उस रात अपने भाई के उस होटल रूम में क्यों भेजा था? जब मैंने उसे तुम्हारी फोटो अपने फोन में दिखाई थी, तब मैंने पहली बार इतने सालों में अपने भाई को किसी लड़की में इंटरेस्टेड देखा था। उसके पहले मैं उससे पैसे मांगने के लिए किस लड़की को उसके पास भेजूं, इस बात को सोच सोच कर पागल हो गया था। लेकिन उस मोमेंट जब उसने तुम्हारी फोटो देखी थी, मुझे मेरा आंसर मिल गया था। तुम कितने बेशरम हो, तुम उस रात की बात भी कैसे कर सकते हो? प्रज्ञा का गुस्सा अब इतना ज्यादा था कि उसने अपना हाथ उठाकर करण को एक चांटा मारने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और कहा, बेशरम, असली बेशरम तो मेरा भाई है। तुम जानना नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ तुम में अचानक से इंटरेस्टेड क्यों था? जब करण ने उसका हाथ छोड़ा, तो प्रज्ञा ने 2 कदम पीछे ले लिए। हाँ, वो इस बात को न जाने कब से जानना चाहती थी,
उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जिस दिन से उसने सिद्धांत के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसी दिन से उसके दिल में ये डाउट था। उसे मालूम था कि उसे इस डील से क्या मिल रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सिद्धांत का उससे क्या फायदा था। और जिस दिन से उसने सिद्धांत को प्रकाश के सजेशन के वो दोनों शादी कर ले उसके लिए मना करते हुए सुना था, उस दिन से ये क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है। अगर वो उसके साथ एक स्टेबल रिश्ता नहीं रखना चाहता था तो वो उसके साथ था ही क्यों? ऐसा नहीं था कि वो इस घर की मालकिन बनना चाहती थी या उससे शादी के लिए मरी जा रही थी, लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसे रिफ्यूजल को सुनकर दुखी ही होगा। क्यों? उसने आखिरकार पूछ ही लिया। उसका मन नहीं मान रहा था। मैं भी बहुत शौक में हूं, क्योंकि भले ही उस रात तुम दोनों इंटीमेट हुए थे क्योंकि तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो उसके बाद भी तुम्हें अपने साथ रखेगा। और अब तो तुम उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। अगर उसे कोई उसकी फिजिकल नीड्स के लिए ही चाहिए था तो बहुत सी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस उसके लिए लाइन में लगी हुई थी, फिर तुम ही क्यों? मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बिना किसी मकसद के किसी के भी पीछे नहीं जाता, और खासकर अपने भाई की मंगेतर तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने कुछ जांच की और मुझे मालूम चला कि वो किसी को पुणे में ढूंढ रहा था। करण ने तुरंत कहा, हाँ उसे याद है, पिछली बार जब वो सिद्धांत के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई थी तब उसने सिद्धांत को अपने एक वर्कर मोहित को किसी को ना ढूंढ पाने के कारण बहुत डांटा था। और अगर उसको याद है, रामू काका ने उसे बताया था कि वो किसी उस इंसान को ढूंढ रहा था जिसने उसकी जान बचाई। तुम्हें मालूम है मेरा भाई किसे ढूंढ रहा है? जब वो छोटा था तो वो अपनी माँ के घर में रुका हुआ था, तो वहां आग लग गई थी और किसी ने उसकी जान बचाई थी। अपनी जान बचाने वाली को? प्रज्ञा ने खुद कहा। वो जानती थी इस बात को, लेकिन इस बार उस बात को सुनकर उसका मन जेलेसी से भरा हुआ था और बेली में उसका बच्चा बेचैन था। बट तुम्हें मालूम है कि वो जान बचाने वाला कौन है? उसने प्रज्ञा की तरफ पिटी भरी आंखों से देखते हुए कहा। उसका मन कह रहा था कि अगर उसको इस बात का जवाब मिला तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और उसका मन दुख से भर जाएगा, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली, कौन है वो? मैंने कुछ दिन पहले ही किसी को मोहित के पास भेजा था, और जहां तक मुझे पता है कि वो एक लड़की थी जो कि तुम्हारी ही उम्र की थी। उसने प्रज्ञा के करीब आते हुए कहा और आगे बोला, मेरे पास उस लड़की का एक पोस्टर भी है जिसमें उस लड़की की फोटो है, और वो तुम्हारी जैसी ही दिखती है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? करण ने उससे पूछा। इस बात को सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपनी जगह फ्रीज हो गई। क्या होगा आगे? क्या करण की बात सच थी? इस राज के सामने आते ही सिद्धांत और प्रज्ञा के रिश्ते का क्या होगा? क्या प्रज्ञा उसे कभी माफ कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियन, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उन्होंने सिद्धांत की तरफ गुस्से भरी नजर से देखा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस शादी नहीं करना चाहता। प्रज्ञा की जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रही थी। सिद्धांत के साथ बिताया हर एक लम्हा अब उसके लिए एक झूठ था। प्रज्ञा को अच्छी तरह मालूम था कि करण उसे इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता था। वो उस लड़की की एक सब्स्टिट्यूट थी जिसने उस दिन सिद्धांत की जान बचाई थी। अब जब वो इस बारे में सोच रही थी, उसे याद आ रहा था कि किस तरह जब वो पहली बार सिद्धांत के घर गई थी, उसने प्रज्ञा से पूछा था कि वो कभी पुणे गई थी या नहीं। यहां तक कि उसे याद है कि पहली बार जब वो इंटीमेट हुए थे तब सिद्धांत ने उसे एक वाइट ड्रेस पहनने को कहा था। शायद वो भी उस लड़की की याद में कहा होगा। जब उस लड़की ने सिद्धांत को बचाया था तब वो अपनी टीन ईयर्स में होगी। वो उसी लड़की को केयर करता था और उसी से प्यार करता था। यही रीजन था कि वो प्रज्ञा को कैद में करके रखा हुआ था, लेकिन उसे शादी करने में उसे दिक्कत थी, जिसका मतलब उसकी बीवी वही लड़की बन सकती थी, ना कि उसकी कोई सब्स्टिट्यूट। उसके दिल के भीतरी कोने से आंसू बहने वाले थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला क्योंकि वो करण के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। करण उसकी तरफ धीमे से आया और बोला, देखा, मेरा भाई उतना भी अच्छा इंसान नहीं है जितना तुम समझ रही थी। अगर तुम अभी भी चाहो तो मैं तुम्हें खुले दिल से वापस एक्सेप्ट कर लूंगा। हम साथ में जापान चलते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? करण ने अंधेरे में अपना निशाना मारा, लेकिन उसको विश्वास था कि शायद उसका निशाना टारगेट पर लग जाए। वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था जब उसके गाल पर एक जोर का तमाचा लगा। उसने शौक के साथ प्रज्ञा की तरफ देखा। ये क्या किया तुमने? मुझे मालूम है कि वो अच्छा आदमी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद एक राक्षस नहीं हो, उसने गुस्से से कहा और अंदर मेंशन में चली गई। जैसे ही वो अंदर गई उसे प्रकाश की आवाज आई और वो बोले, अरे प्रज्ञा आओ यहाँ, सिद्धांत भी आया है। उसके नाम से ही प्रज्ञा का मन एक डिस्गस्ट से भर गया। जब प्रज्ञा गार्डन में थी तब सिद्धांत आया था और वो वहां प्रकाश से कुछ बिजनेस डिस्कस कर रहा था। प्रज्ञा को अंदर आते देख उसकी आंखें डार्क हो गई, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रज्ञा अपनी आंखें झुकाते हुए बोली, मैं थक गई हूं, मैं ऊपर जाकर आराम करना चाहती हूँ।
उसने सिद्धांत से अपनी नजरें चुराई और ऊपर अपने कमरे की तरफ जल्दी से चली गई। वो अपने कमरे में जाकर अपना दरवाजा लगाने ही वाली थी कि अचानक से किसी ने उससे पहले दरवाजे को खींचकर खोलने की कोशिश की। प्रज्ञा ने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धांत ने वो दरवाजा खोल लिया और अंदर आकर उसे धड़ाम से बंद कर दिया। प्रज्ञा उसकी जबरदस्ती देखकर चौंक गई थी और उसने कुछ कदम पीछे ले लिए। वो अभी उसके पास रहना नहीं चाहती थी। उसने प्रज्ञा की आंखों में डिस्गस्ट और अपने लिए एक नफरत देखी और वो चिड़चिड़ाते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें? आजकल वो उससे नाराज थी और अभी तक वो ये सब ये सोचकर सह रहा था कि उसके प्रेगनेंसी हार्मोन्स उसके मूड को अफेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज नहीं। कुछ नहीं, उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा। अच्छा, फिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? उसने डायरेक्टली पूछा। वो पहेलियों में बात करने वालों में से नहीं था। ऐसा नहीं है, उसने फिर से उससे नजरें चुराते हुए कहा। मेरी तरफ देखो। उसने प्रज्ञा की चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया, लेकिन तब भी प्रज्ञा उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला रही थी। मैंने कहा लुक एट मी। लेकिन इस बार जब प्रज्ञा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसका दर्द लिखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सबसे बुरी पनिशमेंट झेलनी पड़ रही हो। सिद्धांत समझ गया था कि बात बहुत गहरी है। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आंखें प्रज्ञा की आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रज्ञा ने अपने आजू बाजू एक दीवार खड़ी कर ली थी जिसे वो तोड़ नहीं पा रहा था और यही बात उसे बहुत इरिटेट कर रही थी। मुझे जाने दो, मैं थकी हुई हूँ, आराम करना है मुझे, प्रज्ञा ने एक थकी हुई आवाज में कहा, जैसे कि मानो वो उसकी कैदी हो और यहाँ से निकलने की हर एक उम्मीद को छोड़ चुकी हो। उसने प्रज्ञा को ऐसा कभी भी नहीं देखा था। अगर वो उससे गुस्सा रहती थी तो वो उससे लड़ती थी, और अगर वो उससे चिड़ी हुई होती तो उसको बताती थी, लेकिन आज वो किसी जिंदा लाश की तरह थी, जैसे कि उसकी बॉडी ऑटोपायलट पर हो लेकिन उसमें जान ना हो। वो शांत थी, बहुत शांत। उसने अपनी आंखें फेर ली और मुड़कर अपने बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन सिद्धांत ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अगले पल उसकी होंठ प्रज्ञा के होंठों पर थे। हर बार वो उसको इस तरह मना लेता था। उसके टच के अंदर वो किसी बर्फ की तरह पिघल जाती थी। आज भी उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस किस के जरिए प्रज्ञा तक पहुंचाने की कोशिश की थी। हर बार वो इसके बाद शांत हो जाती थी और जानती थी कि सिद्धांत उसके साथ था, लेकिन जब इस बार सिद्धांत उससे दूर हुआ, उसकी सांसें तेज थी, लेकिन प्रज्ञा को देखकर लग रहा था कि उसको कोई भी असर नहीं हुआ था। बेबी, प्रज्ञा, क्या हुआ? तुम मुझे नहीं चाहती? उसने प्रज्ञा के कान में कहा। इस बात को सुनते ही प्रज्ञा होश में आ गई। वो यहाँ उससे बात नहीं कर रहा था, वो बस एक सब्स्टिट्यूट थी। इस बार जब सिद्धांत ने उसे किस करने की कोशिश की तो उसने सिद्धांत के होंठ को जोर से अपने दांतों के बीच दबा दिया। उसका गुस्सा उसके काबू में नहीं था। अचानक से सिद्धांत उससे दूर हो गया और अपने होंठों को जब उसने उंगली से छुआ तो उसमें खून लगा हुआ था। उस खून को देखकर प्रज्ञा को याद आया कि वो कहाँ थी। उसकी आंखें सरप्राइज से फटी की फटी रह गई। ओह नो, उसने ये क्या कर दिया था? सिद्धांत ने भी प्रज्ञा की तरफ शौक से देखा, लेकिन उसकी नजर प्रज्ञा के होंठों पर पड़ी और उसके होंठों पर खून को देखकर वो चौंक गया और उसे लगा कि प्रज्ञा को भी चोट आई थी। उसने तुरंत प्रज्ञा का चेहरा अपने हाथ में लिया और कहा, क्या हुआ, तुम्हें लगी? उसकी आवाज में एक डर था, लेकिन प्रज्ञा को अब नहीं पता था कि ये डर उसके लिए था या उसके चेहरे में झलक रही उस दूसरी लड़की के लिए। सिद्धांत ने तुरंत एक टिश्यू से उसके होंठों को साफ किया और उसे ये देखकर खुशी हुई कि वो ठीक थी। तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। जब सिद्धांत ने उसको कुछ देर कुछ भी नहीं कहा और उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखता रहा तो वो आगे बोली, मैं ही क्यों? तुम किसी भी लड़की को अपने साथ रख सकते हो, फिर मैं ही क्यों? उसने पूछा। अब वो और देर प्रिटेंड नहीं कर सकती थी। सिद्धांत कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। वो इतना पावरफुल बिजनेसमैन था कि वो किसी भी लड़की को अपना बना सकता था, फिर वो अनाथ लड़की उसके साथ क्यों थी? उसके बाद सुनते ही प्रज्ञा के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। वो चाहकर भी उससे कुछ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए आखिर में उसने कहा, मैं सोना चाहती हूँ। तुम्हें हुआ क्या है? सिद्धांत ने उसको देखते हुए कहा। वो जानती थी कि वो उसके बिहेवियर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन क्या प्रज्ञा उसे कह सकती थी कि वो उससे इसीलिए खफा थी क्योंकि वो उसका सच जानती थी? कभी नहीं। जब वो कुछ बताने को राजी नहीं था तो वो क्यों कुछ कहे? अगर वो उसकी रखेल ही थी तो उसे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता था? वो उसके सामने और भी दीन हालात में नहीं दिखना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना कुछ भी जवाब नहीं दिया और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके सो गई। सिद्धांत स्पीचलेस था, लेकिन कुछ देर उसको घूरने के बाद वो वहां से चला गया। उस दिन से माहेश्वरी मेंशन में एक बार फिर से अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रकाश काउच पर बैठकर न्यूज देख रहे थे, लेकिन उनका ध्यान टीवी पर नहीं था, बल्कि उनके दिमाग में हजार चीजें चल रही थी। करण जापान जा चुका था,
सिद्धांत बहुत दिनों से घर नहीं आया था और प्रज्ञा भी अपने कमरे से बहुत कम बाहर आती थी। वो घर किसी बंजर जमीन की तरह हो गया था। नरेंद्र अपने मालिक को देख रहा था। वो जानता था कि उसके मालिक को शांति से ज्यादा शोर शराबा पसंद था, इसलिए उनको सांत्वना देते हुए वो बोला, मालिक आप चिंता मत कीजिए, एक बार प्रज्ञा आपके पोते को जन्म दे दे फिर ये घर हर दिन शोर से भरा हुआ होगा। उसके जन्म की पार्टी, उसके एक महीने के होने की पार्टी, पहले जन्मदिन की पार्टी, वो सब बात की बातें हैं। पहले मैं इस घर में शादी की शहनाइयां सुनना चाहता हूँ। प्रकाश ने कहा, वो हर हाल में उन दोनों की शादी करके रहेंगे। नरेंद्र जानता था कि उसके मालिक की चिंता कितनी बड़ी थी। प्रज्ञा इस घर के वारिस को यूं ही जन्म नहीं दे सकती थी। मालिक, सिद्धांत बाबा आज डिनर पर आ रहे हैं, शायद आप आज उनसे बात कर पाए, उसने होप के साथ कहा। प्रकाश ने एक लंबी सांस ली, वो भी उम्मीद कर रहे थे कि वो ये बात कर पाए। थोड़ी देर बाद सिद्धांत आ गया और प्रकाश ने प्रज्ञा को नीचे बुलाया। उसने सिद्धांत को अकेले देखते हुए कहा, सिद्धांत तुम्हें प्रज्ञा से शादी करनी होगी। इस घर में आज तक कोई भी बच्चा ऐसे नजायज तरीके से पैदा नहीं हुआ है और इस बार भी मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला। मैं तुम्हारी और प्रज्ञा की शादी एक महीने में अरेंज कर रहा हूँ, तुम तैयार रहना, प्रकाश ने कहा। इस बार वो अपनी बात में बहुत ठोस थे। सिद्धांत ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक से प्रज्ञा की आवाज आई और वो बोली, सॉरी बट मैं ये शादी नहीं करना चाहती। सिद्धांत ने उसकी तरफ डार्क आईज के साथ देखा। उसने प्रज्ञा को कई दिन के बाद देखा था। वो पहले से पतली लग रही थी और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। क्या तुम ये क्या कह रही हो प्रज्ञा, प्रकाश ने सरप्राइज के साथ पूछा। प्रज्ञा उनके पास आई और एक बार और बोली, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। सिद्धांत का चेहरा लाल हो गया। सिद्धांत ने तुमसे ये कहने को कहा, प्रकाश ने उससे पूछा। उन्हें कभी नहीं लगा था कि प्रज्ञा इस शादी को नहीं करना चाहेगी। उन्होंने सिद्धांत की तरफ गुस्से भरी नजर से देखा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस शादी नहीं करना चाहती, उसने कहा। लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो और अगर तुम शादी नहीं चाहती तो क्या चाहती हो, प्रकाश ने फ्रस्ट्रेशन के साथ पूछा। वो ये शादी नहीं चाहती थी क्योंकि वो जिंदगी भर के लिए किसी की रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहती। वो नहीं चाहती थी कि जब भी उसका पति उसकी तरफ देखे तो उसे कोई और लड़की नजर आए, इसलिए उसने इस शादी के लिए मना किया था। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन हमारी फीलिंग सेम नहीं है तो शादी का क्या फायदा, उसने कहा जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या प्रज्ञा सच में एक कुंवारी माँ बनने को तैयार थी? वो उसे इतनी खुले दिमाग की लड़की नहीं लगी, लेकिन क्या पता उसके खुद के कोई रीजन हो ऐसा ना करने के पीछे। उनके सिर में ये सोचकर दर्द उठ गया था। सिद्धांत जो कुछ कहने ही वाला था उसने वो सब घुटक लिया। क्या होगा आगे, क्या ये फासले कम हो पाएंगे, क्या वो दोनों एक दूसरे को पहचान पाएंगे, क्या उन दोनों के दिल एक हो पाएंगे। डियर लिसनर्स, हम जानते हैं कि आप प्रज्ञा और सिद्धांत की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जान लीजिए कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन अगर सच्चा प्यार इतनी आसानी से मिल गया तो क्या वो सच में सच्चा प्यार था। इसीलिए प्यारी श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ इस ट्विस्ट से भरी कहानी में। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।